सोनाक्षी सिन्हा और जाहिर इकबाल की शादी जून में हुई थी। दोनों की शादी काफी चर्चा में रही। पहले कहा जा रहा था कि शादी से शत्रुघ्न सिन्हा और उनका परिवार खुश नहीं है, लेकिन फिर एक्टर ने खुद क्लियर किया कि वो अपनी बेटी की शादी से काफी खुश हैं। अब शत्रुघ्न सिन्हा ने फिर सोनाक्षी की शादी को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि अगर मैं उन्हें सपोर्ट नहीं करूंगा तो कौन करेगा। दरअसल एक दिए गए इंटरव्यू में शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा ये शादी का मैटर है, दूसरी बात अगर बच्चों ने शादी की है तो ये अवैध और असंवैधानिक नहीं है, दोनों ने अपनी मर्जी और हमारे आशीर्वाद से ही शादी की है, मेरे अलावा मेरी बेटी के साथ कौन खड़ा होगा, मेरी पत्नी पूनम और मैं साथ आए और बेटी की शादी को सेलिब्रेट करने के लिए, ये उनकी खुशी के लिए किया हमने। शत्रुघ्न ने आगे कहा कि पेरेंट्स हमेशा अपने बच्चों की खुशी के साथ होते हैं और मुझे लगता है कि हमारे बच्चे खुश हैं, मैं कहता हूँ कि वो एक दूसरे के लिए बने हैं और हम उनके लिए बहुत ज़्यादा खुश हैं। आपको बता दें कि सोनाक्षी और जाहिर ने 7 साल डेट करने के बाद 23 जून को इसी साल शादी कर ली। हालांकि ऐसा भी कहा जा रहा था कि शादी से एक्ट्रेस के भाई लव खुश नहीं हैं। उनके भाई खुश तो शादी में शामिल थे लेकिन लव शादी में शामिल नहीं हुए। जब एक्ट्रेस की शादी हुई थी तब लव अजीब पोस्ट भी कर रहे थे। खैर फिलहाल सोनाक्षी की प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो लास्ट फिल्म काकुड़ा में नजर आई थी, ये शादी के बाद उनका पहला प्रोजेक्ट था और जाहिर ने भी इस दौरान पत्नी की फिल्म का खूब प्रमोशन किया। अभी सोनाक्षी ने अपकमिंग प्रोजेक्ट को लेकर कोई अनाउंसमेंट नहीं किया है तो अभी के लिए काकुड़ा ही उनका लास्ट काम था। ऐसी अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।